हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बीटेक वर्सेस इंटीग्रेटेड एमटेक के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखना। और इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि काफ़ी बढ़िया बढ़िया वीडियोस इस चैनल पे आती रहती है। तो चले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं क्या है डिफरेंस इंटीग्रेटेड एमटेक और बीटेक के बारे में। तो सबसे पहले बीटेक यानी बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड एमटेक। तो इंटीग्रेटेड एमटेक में क्या आता है, बीटेक प्लस एमटेक की डिग्री, जो दोनों ही कंबाइंड डिग्री आपको मिलती है। तो देख लेते हैं क्या ड्यूरेशन होता है। तो सबसे पहले बीटेक की बात करते हैं, तो बीटेक में आपको 4 इयर्स लग जाएगी। और अगर आप इंटीग्रेटेड एमटेक कर रहे हो तो उसमें आपको ड्यूअल डिग्री मिल जाएगी, वो है बीटेक प्लस एमटेक की डिग्री। तो वो दोनों ही डिग्री आपको 5 इयर्स के दौरान मिल जाएगी। अगर आप सेपरेट कर रहे हो, जैसे कि बीटेक आपने फर्स्ट कर लिया फिर आप एमटेक कर रहे हो, तो एक के 4 इयर्स और फिर दूसरे एमटेक की 2 इयर्स, तो टोटल आपको 6 इयर्स स्पेंड करने होते हैं। पर लेकिन आप इंटीग्रेटेड एमटेक कर रहे हो तो सिर्फ आपको 5 इयर्स ही स्पेंड करने होते हैं, तो आपको दोनों ही डिग्री 5 इयर्स में मिल जाएगी। तो अब देख लेते हैं कैसी रहती है प्लेसमेंट में, क्या कुछ डिफरेंस होता है अगर आपने बीटेक किया हो या फिर इंटीग्रेटेड एमटेक किया हो, तो प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको या फिर नहीं, तो देख लेते हैं। तो बीटेक से आप अगर कर रहे हो और 4 इयर्स में आपको भी प्लेसमेंट काफ़ी बढ़िया बढ़िया मिल जाएगी, कुछ ऐसी टॉप ऑफ द कंपनीज में मिल गई तो काफ़ी बढ़िया आपका पैकेज भी होगा। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड एमटेक कर रहे हो और आपकी भी प्लेसमेंट यार काफ़ी बढ़िया होगी, क्योंकि आपके पास ड्यूअल डिग्री है, तो आपने बीटेक भी कंप्लीट किया और एमटेक भी कंप्लीट किया, दोनों ही आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आपको यार काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो जब हम कंपेयर करते हैं बीटेक वर्सेस इंटीग्रेटेड एमटेक वाले, तो एमटेक इंटीग्रेटेड एमटेक वाले स्टूडेंट को यार काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है बीटेक के स्टूडेंट से पहले, क्योंकि आपने दोनों ही डिग्री की है, आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है और थोड़ा आपको एक्सपीरियंस है उन फील्ड में, तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी बीटेक के स्टूडेंट की। हम कह सकते हैं कि प्लेसमेंट में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, दोनों ही में आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो अब डाउट आता है कि हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए, बीटेक चूज़ कर ले या फिर इंटीग्रेटेड एमटेक। तो बीटेक तो यह जनरली सारे ही कॉलेज में होता है और इंटीग्रेटेड एमटेक भी ऑलमोस्ट सभी जगह, कुछ कुछ जगह मिलने को दिखता है, कुछ जगह आपको नहीं भी मिलेगा। तो आप कौन सा ले, कौन सा चूज़ करें। तो अगर आपने सोच लिया कि परफेक्ट में यही एक फील्ड में जाऊँगा, तो एग्जाम्पल के मानते हैं कि आपने इंटीग्रेटेड एमटेक डेटा साइंस में कर रहे हो और आपको उसी फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको उस चीज़ में कंप्लीट A to Z जानना हो, तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आपने परफेक्ट डिसाइड कर लिया कि मैं ये इंटीग्रेटेड एमटेक करके फिर मैं प्लेसमेंट ले लूँगा या फिर PhD के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए चला जाऊँगा। अगर आपको क्लियर नहीं है कि मैं डेटा साइंस तो मैं पढ़ लूँगा फिर आप मुझे क्या करना है, जैसे कि मैं पहले बैचलर्स कर लेता हूँ फिर मुझे क्या करना है, जैसे कि एमटेक कर लो या फिर MBA कर लो या फिर हायर स्टडीज़ के लिए चला जाऊँ, वो आपको क्लियर नहीं है क्या करना है, तो आप बीटेक के लिए ही जाना है, इंटीग्रेटेड एमटेक के लिए मत सोचना। क्योंकि आप जब आप बीटेक के लिए जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत जानने को मिलेगा क्या क्या होता है क्या नहीं होता करियर्स, और उसमें आप काफ़ी सारे चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, तब आपको आइडिया मिलेगी कि मुझे फर्दर स्टडीज़ में क्या करना है, एमटेक कर लूँ या फिर MBA या फिर हायर स्टडीज़ के लिए चले जाऊँ या फिर कोई स्टार्टअप के लिए एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर दूँ। तो आपको क्लियर आइडिया नहीं मिलेगा जब तक आप बीटेक कर रहे हो। तो मेरे ओपिनियन से आपको बीटेक ही पहले प्रायोरिटी रखनी चाहिए, इंटीग्रेटेड एमटेक के लिए मत सोचना। क्योंकि कुछ ऐसे भी एग्जांपल होते हैं कि इंटीग्रेटेड एमटेक किसी ने कह दिया या फिर किसी से सुन लिया कि इंटीग्रेटेड एमटेक कर लो और उसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका 1 साल तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा और फिर आप MBA के लिए ट्राई कर रहे हो या फिर हायर स्टडीज़ के लिए PhD करना चाहते हो, तो ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन रहता है। अगर आपने MBA करना चाहते हो इंटीग्रेटेड एमटेक के लिए, तो आपके लिए 1 साल तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपको सिर्फ PhD करना चाहते हो तो ये एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा एमटेक वाला, और अगर आपको सिंपल सिर्फ करना है बीटेक तो आपके लिए बीटेक काफ़ी बड़ी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आप फिर किसी भी फील्ड में जा सकते हो, एमटेक कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो या फिर हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हो और यहाँ से भी PhD के लिए जा सकते हो, पर आपको यह थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा कुछ हायर स्टडीज़ करने के लिए, पर यहाँ का भी काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा। तो
मेरे हिसाब से आप अगर आपने कुछ डिसाइड नहीं किया है तो बीटेक के लिए यह काफ़ी बढ़िया रहेगा, और प्लेसमेंट तो यह दोनों ही में काफ़ी बढ़िया बढ़िया लग जाती है, तो प्लेसमेंट और वो सब में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एक प्रॉब्लम हो सकता है, वो है फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे सिर्फ आपको 4 ईयर्स की फ़ीस स्पेंड करनी होती है और यहाँ पे 5 ईयर्स की फ़ीस स्पेंड करनी होती है, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी में ये दोनों ही कोर्स अवेलेबल है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे यही यूनिवर्सिटी में करना है और आपको वहाँ पर बीटेक नहीं मिल रहा है और आपको वही यूनिवर्सिटी में, तो आप इंटीग्रेटेड एमटेक के लिए भी एक बार सोच सकते हो। वैसे कोई दिक्कत तो नहीं होती, सिर्फ आपको एक साल ज़्यादा पढ़ाई करने का ऑप्शन मिल रहा था। तो ये थी यार वीडियो, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना अगला कौन सा वीडियो चाहिए, और बस मिलते अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।